कांग्रेस में से ही जो है निकल के जो है भाजपा आई है, आरएसएस की दोनों पार्टियां हैं। तो जब कांग्रेस जीत जाती है तो भाजपा वाले कांग्रेस में चले जाते हैं, जब भाजपा जीत जाती है तो कांग्रेस वाले भाजपा में आ जाते हैं। तो तब क्यों नहीं हुआ? रोज दंगे, कभी गोधरा कांड हो रहा है, कभी मणिपुर कांड हो रहा है, कभी हरियाणा कांड हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये क्या करते हैं, भाई भाई को, ओबीसी को जो है बजरंग दल का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, ठीक है सारे जो है ना धर्म का ठेका SC ST OBC ने उठा रखा है। लेकिन जब गल्ले पे बिठाते हैं तब किसको बिठाते हैं? तब SC ST OBC याद नहीं आता इनको। मंदिर में पुजारी बनाना होता है तब SC ST याद नहीं आता इनको। महिलाओं की, इनकी माता के इतने मंदिर हैं उसमें पुजारी जो उनके कपड़े बदल रहा है। देखिए भारत में जब एक माता को जिसको सारी दुनिया पूज रही है उसके कपड़े एक आदमी बदल रहा है, तो यानी आदमी जो है औरत के कपड़े उतार सकता है। इसीलिए मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया गया, क्योंकि पंडितों ने ये अधिकार आदमियों को दे रखा है कि औरत को कभी भी आप कपड़े वस्त्र विहीन कर सकते हो। ढोल गवार शूद्र और नारी जी। ये सब ताड़न के अधिकारी जी। तो मतलब जिस तरीके से ढोल को पीट पीट के काम लिया जाता है जी। तो महिला को और शूद्रों को जो है पीट पीट के काम लेना चाहिए, पशुओं को पीट पीट के काम लेना चाहिए। मैं इनसे ये पूछती हूँ, तो हमने तुम्हें पैदा करा तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है, कलंक है। एक ऐसे इंसान को हमने पैदा किया जो हमें कहता है कि भाई औरतों को पीटना चाहिए, यानी इसकी उसकी जिस माँ ने उसको पैदा करा है, मैं कहती हूँ उस माँ की तो जो है ना कोख ही जो है गंदी करती उसने पैदा होके, जिसकी कलम से ये जो है वाक्य लिखा गया है। इसी तरीके से नए संविधान में राम का चरित्र, किसी किसी देवी देवताओं का, इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। इतने करोड़ों देवी देवता होने के बावजूद भी, लक्ष्मी यहाँ, सरस्वती यहाँ, उसके बावजूद भी गरीबी बेइंतहा, अनपढ़ता बेइंतहा, तो कैसे देवी देवता ये हम पर लादना चाह रहे हैं? और कितनी अनपढ़ता देश में लाना चाहते हैं, और कितनी बेरोजगारी और गरीबी देश में लेना चाहते हैं? तो हमें उस मनुस्मृति वाले संविधान से जो है दूर ही रखे नरेंद्र मोदी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लगातार संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान के बाद में आप ये भी बोलते हैं कि संविधान खतरे में है। कौन सा संविधान खतरे में है? बड़ा स्पष्टता से दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी देश को प्रथम नागरिक के तौर पर काम कर रहे हैं और बड़ी ताकत से संविधान को रखरखाव करने की बात भी करते हैं, दलितों की बात करते हैं, शूद्रों की बात करते हैं, यहां तक कहते हैं कि दलितों को मारने से पहले आप मुझे मारो, इस तरीके के स्टेटमेंट भी उनके आते हैं। तो संविधान कहां खतरे में, जिस पे आप लगा के चिल्ला के बोलती हैं, क्या है संविधान खतरे में? देखिए नरेंद्र मोदी जी की हर बात का डबल मीनिंग होता है जी। डबल इंजन की सरकार है जी। बच के रहिएगा, वो कहते कुछ है करते कुछ और जी। ठीक है, संविधान जो बाबा साहब का है वो खतरे में है जी। और जो संविधान मनुस्मृति द्वारा बनाया गया है उसकी कॉपी जो कर रहे हैं ये लोग, वो तो योगी भी अभी कह रहा था कि संविधान से देश चलेगा। अरे बाबा, कौन से संविधान से देश चला रहे हो तुम, चलाना चाहते हो तुम? जैसे आपने न्यू पार्लियामेंट में गुलामगिरी में साफ साफ लिखा हुआ है, मकर ध्वज द्वार, अशु द्वार, मतलब इनके कहते ना मछली के पेट से जो है ना पैदा हुए भगवान, कोई कहता है पसीने से पैदा हुए भगवान। तो इसी तरीके से संसद भी अब जो है ना जानवरों का जो है वो बना दिया है कि देखिए जानवर जो है कि मुख से ये सारे लोग निकले हुए, यानी मनुस्मृति को आप जो है पार्लियामेंट के दरवाजे पे ही दर्शाना चाहते हो। इसी तरीके से नए संविधान में राम का चरित्र, किसी किसी देवी देवताओं का, इस देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। इतने करोड़ों देवी देवता होने के बावजूद भी, लक्ष्मी यहाँ, सरस्वती यहाँ, उसके बावजूद भी गरीबी बेइंतहा, अनपढ़ता बेइंतहा, तो कैसे देवी देवता ये हम पर लादना चाह रहे हैं? और कितनी अनपढ़ता देश में लाना चाहते हैं, और कितनी बेरोजगारी और गरीबी देश में लेना चाहते हैं? तो हमें उस मनुस्मृति वाले संविधान से जो है दूर ही रखे नरेंद्र मोदी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम उनके डबल इंजन की सरकार को अब समझ चुके हैं, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाबा साहब द्वारा लिखित जो संविधान है वो खतरे में है जी। ये मनुस्मृति है क्या? उसमें आपने कई बार स्टेटमेंट्स में कहा है कि मनुस्मृति में शूद्रों के लिए, बहुजनों के लिए बहुत गलत लिखा है, ऐसा क्या लिखा है जिससे आप हमेशा उसका विरोध करते रहते हैं? ढोल गवार शूद्र और नारी जी। ये सब ताड़न के अधिकारी जी। तो मतलब जिस तरीके से ढोल को पीट पीट के काम लिया जाता है जी। तो महिला को और शूद्रों को जो है पीट पीट के काम लेना चाहिए, पशुओं को पीट पीट के काम लेना चाहिए। मैं इनसे ये पूछती हूँ, तो हमने तुम्हें पैदा करा
तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है, कलंक है। एक ऐसे इंसान को हमने पैदा किया जो हमें कहता है कि भाई औरतों को पीटना चाहिए, यानी इसकी उसकी जिस माँ ने उसको पैदा करा है, मैं कहती हूँ उस माँ की तो जो है ना कोख ही जो है गंदी करती उसने पैदा होके, जिसकी कलम से ये जो है वाक्या लिखा गया है। 50% जो महिलाएं हैं भारत की वो जो है शर्मिंदा है उसकी लेखनी के कारण। तो इस तरीके की, और कहते हैं कि भाई बुद्धिहीन अगर ब्राह्मण होता है तो उसको पूजना है, और अगर शूद्र जो है बुद्धिमान है तो उसको फिर भी हम पूज नहीं सकते हैं। तो कैसे कैसे बातें हैं भाई। टैलेंट अगर किसी में है तो वो तो पूजनीय अपने आप बन जाएगा अपने टैलेंट के कतर। और तुम अगर मूर्ख हो, तुम अगर कुछ तुम्हें ब्राह्मण जात में अगर तुमने जन्म ले लिया, तुम्हें आता कुछ नहीं, तो तुम अगर गलत काम करोगे तो थप्पड़ भी सहन करने पड़ेंगे तुम्हें। तो ये दोगला संविधान जो है, ये जो है वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो संविधान लागू करना चाहते हैं, अब जनता जो है इस व्यवस्था को नहीं मंजूर करेगी। ठीक है, बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी जो है वो हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी की रहेगी, हम बताएंगे शूद्र कौन है। जी तमाम लोग बोलते हैं, तमाम जो जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इस संदर्भ को गलत तरीके से पेश करते हैं, शूद्र गवार ढूल पशु नारी इसको गलत तरीके से पेश करते हैं। उनका कबीरदास जी का तात्पर्य था कि वो शिक्षा से इसको जोड़कर दिखा रहे थे, क्या कहेंगे। देखिए चलिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी का TV 9 पर भी जो शो चला था उसमें राम भद्राचार्य जी वो कहते हैं जी देखिए हम ताड़ना का मतलब यहाँ पे शिक्षा से है। ठीक है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुत अच्छा जो है सटीक आंसर दिया कि मुझे तो लगता है राम भद्राचार्य जी को ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि वो कह रहे हैं पशुओं को शिक्षा की ज़रूरत है। बताओ इस भारत में कौन सी मनुस्मृति ने बकरी के लिए स्कूल खोल रखा है, ऊँट के लिए स्कूल खोल रखा है, घोड़े के लिए स्कूल खोल रखा है, सुअर के लिए स्कूल खोल रखा है, तो हमें जो है नारी को शूद्रों को पशु के साथ क्यों रखा। पशु कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, दिखाओ किसकी डिग्री के कहाँ हैं, किस किस को तुमने वो कर दिया। तो यानी तुम्हारा ताड़ना जो है, जब हमने बात उठाई तो आपने उसका मीनिंग एक श्लोक में तो चेंज कर दिया ताड़ना का शिक्षित, लेकिन उस शिक्षित से भी आप पशुओं को कहाँ से शिक्षित कर रहे हो ये बता दो। अगर आप पशुओं को इसके स्कूल खोल रखे हैं आपने, उनको शिक्षा दे रहे हो, तो हम मान लेंगे कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है, नहीं तो ताड़ना का मतलब हमने हमेशा ही पढ़ा है पीटना होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की आपने बात करी, उनका कहना यह है कि जितने भी मंदिर हैं वह सारे बुद्ध स्तूप हैं, क्या कहना चाहेंगे। देखिए जब से जो भाजपा सरकार आई है ना, भाईचारा इतनी बुरी तरीके से जो है ना लड़ाई झगड़े हिंदू मुस्लिम, 1947 में भी तुमने भारत पाकिस्तान किया था, हम भाई भाई को कटवाया था, मरवाया था, औरतों की इज्जत लूटी थी, तब क्या हिंदू मुसलमान जो है सारे मुसलमान नहीं गए थे क्या इनके यहाँ पर क्यों रखे गए। तो कांग्रेस पे सवाल उठता है, कांग्रेस में से ही जो है निकल के जो है भाजपा आई है, RSS की दोनों पार्टियाँ हैं, तो जब कांग्रेस जीत जाती है तो भाजपा वाले कांग्रेस में चले जाते हैं, जब भाजपा जीत जाती है तो कांग्रेस वाले भाजपा में आ जाते हैं, तो तब क्यों नहीं हुआ। रोज दंगे, कभी गोधरा कांड हो रहा है, कभी मणिपुर कांड हो रहा है, कभी हरियाणा कांड हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये क्या करते हैं, भाई भाई को OBC को जो है बजरंग दल का, RSS का, विश्व हिंदू परिषद का, ठीक है सारे जो है ना धर्म का ठेका SC ST OBC ने उठा रखा है, लेकिन जब गल्ले पे बिठाते हैं तब किसको बिठाते हैं, तब SC ST OBC याद नहीं आता इनको, मंदिर में पुजारी बनाना होता है तब SC ST याद नहीं आता इनको, महिलाओं की इनकी माता के इतने मंदिर हैं उसमें पुजारी जो इनके कपड़े बदल रहा है। देखिए भारत में जब एक माता को जिसको सारी दुनिया पूज रही है उसके कपड़े एक आदमी बदल रहा है, तो यानी आदमी जो है औरत के कपड़े उतार सकता है। इसीलिए मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया गया, क्योंकि पंडितों ने ये अधिकार आदमियों को दे रखा है कि औरत को कभी भी आप कपड़े वस्त्र विहीन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।